हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एपिसोड में मैं अपने लिविंग रूम को दिवाली के लिए रेडी करने वाली हूँ। ये हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है एंड इसमें बहुत ही कम सामान है, वॉल वगैरह भी सारी एम्प्टी है, तो मैं इसे बहुत ही मिनिमलिस्टिक एंड अच्छी तरह से डेकोरेट करने वाली हूँ दिवाली के लिए। तो मैंने यहाँ पे 5 पेपर प्लेट्स ली थी एंड उसके ऊपर थोड़ा सा उसको फेस्टिव लुक देने के लिए मैंने उसे थोड़ा डेकोरेट किया है। अगर इसका लिंक आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 पेपर प्लेट्स को डेकोरेट किया था एंड उसको सेलोटेप की सहायता से मैं उसे वॉल पे स्टिक कर दूंगी। मैं ये प्लेट्स को 3x2 वाला जो सोफ़ा रहता है उसमें, जो 3 सीटर वाला सोफ़ा रहता है उसके ऊपर स्टिक कर दूंगी। इसके बाद मैं सोफ़ा को सेट करूंगी। तो यहाँ पे 3 सीटर वाला जो सोफ़ा था उसको, उसके ऊपर मैं पिलोज रख दूंगी एंड ये जो सोफ़ा का कवर है वो ब्लू कलर का है एंड जो प्लेन है तो इसके ऊपर मैं, मेरे पास एक ब्लू कलर का डिज़ाइनर दुपट्टा था उसको रख दूंगी, इससे थोड़ा फेस्टिव लुक आएगा। इसके बाद मैं ये जो कॉर्नर है इसे डेकोरेट करूँगी। इसके लिए मैं लिपन आर्ट किया हुआ जो वॉल प्लेट्स है वो लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 4 वॉल प्लेट्स बनाई हैं, ये भी मैंने घर पे ही बनाई थी। अगर इसका भी आपको ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये 4 प्लेट्स हैं, इसको भी मैं यहाँ पे डेकोरेट करूँगी, इस तरह से ये प्लेट्स भी लगा दी। इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल रखूँगी एंड एक प्लांट रखूँगी एंड देन कर्टन्स को भी एडजस्ट कर दूँगी। तो वो प्लांटर, टीपॉय एंड ये कर्टन्स मैं जो एडजस्ट कर रही हूँ ये सारे मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं। बेसिकली इस वीडियो में आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं जो मैंने डेकोरेशन के लिए यूज़ किए हैं ये सारे हैंडमेड ही हैं, मैंने घर पे ही बनाए हुए हैं। तो अगर आप चाहे तो वो कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इसके बाद मैं फेस्टिव लुक देने के लिए यहाँ पे आर्टिफिशियल गार्लैंड्स भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने लीव्स का लगाया दोनों साइड पे एंड देन बीच में 2 मारीगोल्ड के भी गार्लैंड्स लगा दूंगी एंड देन इस कॉर्नर को और थोड़ा एनहांस करने के लिए मैं यहाँ पे लाइटिंग लगाऊंगी एंड जो बचा हुआ लाइटिंग है मैं ये जो नीचे प्लांटर है उसके ऊपर भी डाल दूंगी, कुछ इस तरह से दिखेगा। एंड ये जो पिलो कवर्स है वो फेस्टिव नहीं लग रहे इसीलिए मैं यहाँ पे एक साड़ी से उसे कवर कर दूंगी। तो ये येलो कलर की साड़ी है, ये उसका ब्लाउज पीस है जो मैंने यूज़ नहीं किया है, उससे मैं इसे कवर कर दूंगी। एंड यहाँ पे मेरे पास एक आर्टिफिशियल प्लांटर है उसे भी यहाँ पे रख दूंगी एंड मेरे पास लिविंग रूम के लिए कोई कारपेट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे एक येलो कलर की साड़ी है पुरानी सी वो रखी है। देन जो प्लांटर्स थे उसके साइड से मैंने एक आर्टिफिशियल मारीगोल्ड की गार्लैंड्स थे उससे मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। एंड जैसे कि आर्टिफिशियल गार्लैंड्स है तो यहाँ पे मैं रियल दिया नहीं यूज़ कर सकती इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक दिया यूज़ किया है एंड उसके नीचे दिया स्टैंड भी यूज़ किया है जो मैंने अगेन घर पर ही बनाया हुआ है। इस तरह से मैंने इसे डेकोरेट कर दिया एंड ये टीपॉय के ऊपर मैं रियल फ्लावर से डेकोरेशन करूँगी। एंड एक क्ले दियाज है जिसे मैंने घर पे ही डेकोरेट किया है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस टेबल को मैं फ्लावर से डेकोरेशन करूंगी। एंड हियर इज द फाइनल लुक।